वचन कह पवन कुमारा, मैया मान जा, मेरा एक काम है वो पूरा कर दूं, फिर मैं खुद तेरे पास आ जाऊं। हे राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के सिद्ध प्रभु ही, मुझे मेरे राम का कार्य करके आने दे, भगवान का मेरे भगवान को जानकी का खबर सुनाने दे, इसके बाद स्वयं मैं तेरे पास आ जाऊंगा। लेकिन कहा माने, तब तब बदन बैठी हूं आई, सत्य कहूं मही जान दे, मुझे जाने दे। लेकिन नहीं, किसो जन भारत ही बदन पसारा, ने बढ़ाया, भगवान ने उससे दूना आकार बना दिया। ध्यान देना, यह संकेत है, जब कोई आपके विकास की रेखा को रोकने की कोशिश करे तो आप उसकी रेखा को मिटाने में समय मत गवाओ, निगेटिव एनर्जी मत खर्च करो, बल्कि अपनी रेखा को इतना लंबा कर दो कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। सोरह मुखते ही ठायो महाराज ने 32 का। जैसे जैसे सूर्य सा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सूर्य सा बदन बढ़ावा, तासु दूल कपी रूप दिखावा, जो जन चाहिए आनंद की ना, यति लघु रूप पवन
अंतिम गति तक स्वरूप बढ़ा लिया है सुरसा ने। भगवान ने देखा कि ये लीला हो रही है, हनुमान जी के हृदय में सद्बुद्धि आती है और हनुमान जी ने मस्तक समान रूप कपी, ये विवेक का परिचय है। यह जीवात्मा के विवेक का परिचय है। शरीर के पुत्र का नाम है विवेक। वो जहां जा रहे जाने दो, अब हनुमान जी यहाँ दोनों काम बचा रहे हैं कि भाई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरे हाथों से कोई अशुभ। हनुमान जी तो एक ही प्रहार में सुरसा का प्राण ले लेने, तो ऐसा करो कि इसकी बात भी रह जाए और मेरा शुभ कार्य भी। मशक समान रूप कर बहुत छोटा सा स्वरूप धारण किया और उसके मुख के अंदर से निकल के बाहर आ गया। उसने सुरसा ने कहा, जाओ मोहि सुरन जहि लाग पठावा, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, परीक्षा के लिए भेजा था ना, बुद्धि बल मरम तोर में, तो राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निशान निधान, और आशीष दे गई तो हरस चलो। जब आप अच्छे काम के लिए चलते हो तो रास्ते में एक से एक लोग रहते हैं ना, तो निश्चित रही एक सिंधु महु रहाई और करि माया नव के खग, एक निशाचर रहता है, मायावी है, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का भी अगर परछाई नीचे आ जाए तो उसे खा लेते हैं। हनुमान जी से कहते हैं, तुझे पता नहीं है मेरे बल का प्रभाव कि जीव जन तुझे गगन उड़ाही जल विलोक तिनकी परछाई। मैं तो खा जाता हूँ, मेरा पहरा है, मैं पहरेदारी करते हूँ, लंका में कोई चोर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा, तो फिर मैं ये समझ लूँ कि मेरा कार्य यही पूरा हो गया, आइए मैं आपके चरण छू लूँ। अगर लंका में कोई चोर प्रवेश नहीं कर सकता तो आप सबसे पहले रावण को खा लो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो लंका में बैठा है, हमारी जान की। हनुमान जी का लंका में प्रवेश होता है और लंका का वर्णन, लंका की शोभा देखते हैं हनुमान जी कि कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर, कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर यतना चाहिए। यही लागी तुलसीदास इनकी
कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसा। कथा वाणी विराम की ओर है। आचार्य जी आरती प्रज्वलित कराएंगे। और सुंदर चेतावनी गीत के साथ आनंद लेंगे। वो मेरे मानवा क्या है रे जग